हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आप हमारे सोच चैनल को इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो। आप लोग इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही चैनल को प्यार करते रहिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस करना, सो डेट जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है जो हमारी सीरीज है 10 एपिसोड्स की, अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क मार्केटिंग। और आज हम बात करेंगे, जो फर्स्ट एपिसोड होगा हमारा, उसमें हम बात करेंगे कि वाई कंपनी यूज नेटवर्क मार्केटिंग, की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो होती है या कंपनीज जो होती है वो नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को क्यों यूज करती है, क्योंकि ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो जितने भी हमारे करोड़ों बहन भाई हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना कैरियर बना रहे हैं या बनाने की सोच रहे हैं, उन सबको ये पूरी की पूरी सीरीज जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो पूरा का पूरा रहेगा, आज हम समझेंगे कि कैसे शुरुआत होती है नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, एक आइडिया होता है कि यार हाँ मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है। फिर उसमें दो चीजें हो सकती हैं, यार प्रोडक्ट बेस करना है, सर्विस बेस करना है। तो ये चीज आती है, लेट सपोज आप एक एग्जांपल लेते हैं कि आप प्रोडक्ट बेस बिजनेस आपने डिसाइड किया, उसमें आप देखते हो कि यार मेरे को हेल्थ प्रोडक्ट के अंदर आना है। हो सकता है आपके टेक्निकल उसको नॉलेज हो, आपको जो भी बिजनेस स्टार्ट करा हो सकता है उनको नॉलेज हो पहले से इस फील्ड की, या हो सकता है उनका इंटरेस्ट हो इस फील्ड के अंदर, या वो इस फील्ड के अंदर कुछ करना चाहते हो। तो उन्होंने क्या देखा कि यार हेल्थ प्रोडक्ट में, लेट सपोज उन्होंने डिसाइड किया, एक एंटरप्रेन्योर का आइडिया आया, उसने प्रोडक्ट डिसाइड कर दिया कि मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बनाना चाहता हूं, उसने फिर डिसाइड किया मैं हेल्थ प्रोडक्ट के अंदर आना चाहता हूं, लेट सपोज मल्टी विटामिन्स मैं सेल करना चाहता हूं। अब प्रॉब्लम क्या होगी, सब कुछ हो गया, आइडिया भी आ गया, प्रोडक्ट भी बन गया, हेल्थ प्रोडक्ट भी डिसाइड हो गया, मल्टी विटामिन भी बन गए, मेन चीज क्या है, अब उसको सेल करना। सेल करेगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा, तभी तो बिजनेस होगा। तो अब आती है प्रॉब्लम सेल पे। सेल पे आता है कि उसके सामने दो ऑप्शन होते हैं दोस्तों, किसी भी कंपनी के सामने कि सेल पे सबसे पहले तो उसके सामने एक ऑप्शन क्या है कि वो ट्रेडिशनल वे से सेल करे, जैसे नॉर्मली आज तक सदियों से चला आ रहा है, 99% ऐसे ही चल रहा है, या दूसरा तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू वो उस प्रोडक्ट को सेल करे। अब आ जाते हैं पहले ट्रेडिशनल वे के ऊपर, देखते हैं कि ट्रेडिशनल वे में क्या होता है कि क्या तो आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हो अपने प्रोडक्ट की, या आप किसी से मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हो, क्या तो आप मैन्युफैक्चरर हो या यू आर गेटिंग इट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम समवेयर एल्स। अब दोनों ही केस में आपने क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, लेट सपोज आपने कहीं से मैन्युफैक्चरिंग कराई, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को, सबसे पहले लेट सपोज आप चेन्नई में कोई कंपनी है जिसने मल्टी विटामिन बनाया और उसको पूरे इंडिया में सेल करना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगी, अपना पूरा का पूरा सामान जो होगा उसका एक मास्टर स्टॉकिस्ट होगा, लेट सपोज पंजाब के अंदर है वो, तो पंजाब के अंदर पहले सामान आएगा मल्टी विटामिन, और वहां से क्या होगा, आसपास के एरिया के होलसेलर या आसपास के स्टेट के होलसेलर उस मास्टर स्टॉकिस्ट से अपना सामान बाय करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, सामान मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसके बाद मास्टर स्टॉकिस्ट के पास जाता है, उसके बाद अलग अलग एरिया के होलसेलर के पास सामान जाता है, या अलग अलग स्टेट के होलसेलर के पास सामान जाता है, होलसेलर से क्या होता है दुकानदार के पास सामान जाता है, शॉपकीपर के पास, रिटेलर के पास, और लास्ट में कस्टमर के पास सामान जाता है। तो यह है हमारा ट्रेडिशनल वे जो सदियों से चला आ रहा है, पूरा इस तरीके से पूरा का पूरा ये सिस्टम रहता है। अब इसमें तीन प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो तीन प्रॉब्लम है हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर वन की नो वन विल एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट। दोस्तों, ये फैक्ट है कि कोई भी ट्रेडिशनल वे के अंदर आपके प्रोडक्ट को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेगा, ना दुकानदार, ना होलसेलर, ना मास्टर स्टॉकिस्ट, वो बस बोल देगा ये मल्टी विटामिन आइस कंपनी का, इसको आगे रखवा दो। दुकानदार क्या करेगा, रख जाओ, बट दुकानदार भी कस्टमर अगर अंदर घुसेंगे उसको पता है 100 चीजें जो वो मांगेंगे वो दे देगा कस्टमर को, बट वो एक्सप्लेन करने नहीं बैठेगा कि आपके प्रोडक्ट में क्या खासियत है। और यहां पे आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि कस्टमर, आप आज किसी भी शॉप पे जाते हो तो आप क्या करते हो, आपने देखा कि वहां पे 10 मल्टी विटामिन है, आपको नहीं पता मल्टी विटामिन में यार ये इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी है, आप क्या करोगे, कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट उठा लेगा कस्टमर कि यार इसकी मैं टीवी पे एड भी देखता हूं, ये ब्रांडेड भी है तो इसको मैं ले लेता हूं। हो सकता है कि आपका उस ब्रांड के प्रोडक्ट से 1000 गुना ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट हो, आपके मल्टी विटामिन में बहुत ज्यादा खूबियां हो, बट कस्टमर को तो नहीं पता ना, कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर तो वही लेगा जो उसने टीवी पे एड देखी है और जिस ब्रांड पे उसका ट्रस्ट है। तो आपको एक तो वहां पे सेल का लॉस होता है, और दूसरा लॉस क्या होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बिकेगा तो एक बार तो दुकानदार सारे रख लेंगे, बट उसके बाद वो दोबारा उसको कभी ऑर्डर नहीं करेंगे, और दोबारा सेल्समैन वहां पे जाएगा और कहेगा यार अपना प्रोडक्ट उठा के ले जाओ, इसको कोई नहीं पूछता, ना इसको कोई बाय कर रहा है, और दुकानदार आपके प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करेगा नहीं। हेल्थ प्रोडक्ट पे मैंने, आप देख रहे हैं यहाँ पे केमिस्ट का एग्जांपल भी लिया है कि केमिस्ट के थ्रू जैसे लेट सपोज हम प्रोडक्ट अपना प्रमोट कर सकते हैं, बट उसके अंदर भी दोस्तों एक बहुत बड़ा इशू है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि केमिस्ट भी उसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है।
आप समझिए कि केमिस्ट, लेट सपोज एक केमिस्ट है, आपको मल्टीविटामिन उसको 400 रुपए का पड़ रहा है और आपने बोला कि आप ये 500 का कस्टमर को दीजिए बिकॉज ये बहुत टॉप क्वालिटी का है इसलिए हम आपको 100 रुपए का मार्जिन दे रहे हैं। वहीं पे एक कंपनी आती है जिसका मल्टीविटामिन है, वो कह रही है कि मेरा भी आप 500 का बेचिए बट मैं आपको 200 रुपए का दूंगी। तो आप खुद सोचोगे केमिस्ट किसको प्रमोट करेगा, केमिस्ट बोलेगा कि होगा आपका टॉप क्वालिटी का बट एक में मेरे को 300 रुपए बच रहा है, एक में मेरे को 100 रुपए बच रहा है तो मैं 300 वाला प्रमोट करूंगा। तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम होती है कि आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो दुकानदार एक्सप्लेन नहीं करेंगे, और जो करने वाले लोग होते हैं जो ऐसे फील्ड में जो केमिस्ट वगैरह एक्सप्लेन करेंगे भी तो वो आपका नहीं करेंगे, वो करेंगे जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो। और अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा देना पड़ेगा केमिस्ट को तो आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक डायलेमा आ जाता है कि यार हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कम करनी भी पड़ेगी अगर हम इस वे से जाते हैं या हमारे को कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कंपनीज के साथ। फिर आती है दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, वो आती है क्रेडिट की, उधार की। आपको पता उधार इतनी बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर या किसी हर नॉर्मली हर सेक्टर के अंदर ये रहे आज के डेट में चल रहा है उधार की प्रॉब्लम। कि आपको पता है मास्टर स्टॉकिस्ट मिनिमम 3 महीने का उधार रखता है, उधर 3 महीने बाद पैसा देता है, होलसेलर 2 महीने बाद पैसा देता है, दुकानदार भी 1 महीने बाद पैसा देता है, नॉर्मली बिल टू बिल चलता है। आज आप अपना सामान रख जाओ, सामान कस्टमर खरीदेगा, अगला ऑर्डर आएगा तो पिछले ऑर्डर का पैसा आपको दे देंगे। तो ये उधार की दोस्तों इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको पता था हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर 40% मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसलिए बंद हो जाती है कि उनका सामान तो बिक जाता है, लाखों का करोड़ों का सामान बिक गया बट वो लाखों करोड़ों मार्केट में ही फंसा हुआ है, उनको उस निकल ही नहीं पा रहा है, उनको उनके पास जा रहे हैं कभी दुकानदार के पास, कभी होलसेलर के पास, कभी मास्टर स्टॉकिस्ट के पास, और अपने ही पैसे के लिए छोटे छोटे स्टार्टअप्स को गिड़गिड़ाना पड़ता है कि यार हमारा पैसा क्लियर कर दो, हमारा पैसा क्लियर कर दो। और ये उधार की समस्या की वजह से आप सोच रहे हो कितना बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि हर कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती लाखों करोड़ों रुपए मार्केट के अंदर छोड़ देना कि यार आप लाखों का सामान ले जाओ, फिर और लाखों का वो जब देगी तो पुराना लाखों का उठा लेगी, क्योंकि ज्यादा छोटे छोटे स्टार्टअप्स के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता। तो उनको ये दूसरी वाली प्रॉब्लम आती है। और फिर तीसरी प्रॉब्लम जो आती है वही आती है कि यार दुकानदार एक्सप्लेन नहीं कर रहे, मार्केट में क्रेडिट ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि आपकी ब्रांड नहीं है, आपके ऊपर सब कुछ इन्हीं की चलेगी, आपकी कोई सुनेगा ही नहीं। अब आपको अगर ब्रांड को फेमस करना है सो डेट कि ये लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करें या ये लोग भी आपके प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करें या आप ही एडवर्टाइजमेंट के थ्रू डायरेक्ट कस्टमर को एक्सप्लेन कर दो, उसके लिए आपको क्या चाहिए, ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट के लिए नीड ह्यूज मनी, उसमें आपका पैसा बहुत ज्यादा लग जाएगा। आप सोच रहे एक छोटे स्टार्टअप के लिए तीनों चीज कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसलिए कुछ कंपनीज क्या करती हैं, वो ट्रेडिशनल वे को चूज ही नहीं करती, वो बोलते हैं कि ना तो मुझे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, हम नहीं चाहते कि ऐसे हम इन लोगों के थ्रू छोड़ दे मार्केट के अंदर, उसको उतार दे कि जहां पे एक ही चीज चलती है जिसमें मार्जिन ज्यादा वो बिकेगा, अच्छा या अच्छा बुरा नहीं चलता। तो वो ना तो ये वाला इस प्रॉब्लम की वजह से ना उनको उधार पे देना होता है, क्योंकि हो सकता है स्टार्टअप हो कि यार हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा तो हम कैश पे देना चाहेंगे, हम क्यों उधार पे देंगे, या फिर ये तीसरी चीज कि हम एडवर्टाइजमेंट पे इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते। तो उन सब कंपनीज के लिए दूसरा रास्ता बचता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आगे से दोस्तों अगर आपको कोई भी बोलता है कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज तो बेकार होती है, तो आप किसी भी कंपनी के नेटवर्क करो, आपको सीधा एक ही जवाब देना है कि भाई ये चीज समझानी है, और उसको सीधा बोलना है कि भाई हमारी कंपनी ना इंटेलिजेंट है, इसका प्रूफ ही है कि उसने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया, इसको नहीं किया। वो ये तीनों चीजें ना, वो क्रेडिट पे देगी सामान क्योंकि उसका सामान इतना अच्छा है कि वो कैश पे ही देगी ना, और वो अपने प्रोडक्ट के साथ जस्टिफाई भी करना चाहती है, क्वालिटी भी मेंटेन रखना चाहती है, तो वो दुकान पे ऐसे नहीं रखना चाहती कि जहां पे प्रॉफिट वाली ही चीज ज्यादा बेची जाए, और या एडवर्टाइजमेंट पे वो इतना ज्यादा खर्च क्यों करेगी जब नेटवर्क मार्केटिंग ये तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता है। और इसलिए आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम 1 प्रॉब्लम 2 प्रॉब्लम 3 लिखा है, बट यहाँ पे मैंने S1 S2 S3 लिखा है, जिसका मतलब है सोल्यूशन 1 सोल्यूशन 2 एंड सोल्यूशन 3। पहली प्रॉब्लम क्या थी, दुकानदार एक्सप्लेन करेगा नहीं, और अगर कुछ करते भी हैं तो वो उसी को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। सॉल्यूशन मैंने इसका क्या है कि अगर आपने क्या किया दूसरा तरीका, कि इन सबको बोला कि बाहर में जाओ, सीधा क्या बोला कि मेरा कंपनी का प्रोडक्ट पे मुझे ट्रस्ट है, ठीक है मैं स्लो स्लो ग्रो कर लूंगा बट मैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को जस्टिफाई करके ही करूंगा, और मैं लोगों को एजुकेट करूंगा अपने प्रोडक्ट के बारे में कि यार मेरा प्रोडक्ट क्यों ज्यादा अच्छा है। तो आपने क्या किया, किसी एक इंसान के पास आप गए, आपने उसको पूरा का पूरा अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की खासियत बताई, उसको बोला आप हमारे प्रोडक्ट लेना चाहते हो, आप क्वालिटी बताओगे, उसको अगर पसंद होगा, उसकी वो नीड होगी तो क्या करेगा, वो उस प्रोडक्ट को बाय करेगा। और उसके बाद आप उसको बोलते हो कि यही चीज आपने कि कंपनी के प्रोडक्ट में क्या खासियत है, आपने वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू लोगों से मिलना है, और आप अगर आप 2 लोगों को इस प्रोडक्ट को सेल करते हो, कंपनी का पार्ट बनाते हो, हमारे प्रोडक्ट को उन तक पहुंचाते हो, तो हम आपको पैसा भी अलग से देंगे।
अब वो दो लोग मैंने बोल दिया क्योंकि बाइनरी में आपको पता है दो लोग होते हैं, बट वो दो चार छह कितने भी हो सकते हैं, वो मैट्रिक्स प्लान हो चाहे बाइनरी हो कुछ भी हो, ये जस्ट एग्जांपल के तरीके से मैं बता रहा हूं कि आपने क्या किया, आपने एक को सिखाया टीच वन एंड आस्क देम टू टीच टू और मोर, कितना इजी हो गया। हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, हमने किसी एक को पकड़ा और उसको बोला समझा दिया ये हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है, आप इसको प्लीज कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचाओ और आपको भी ये चाहिए तो आप इसे यूज करो। उन्होंने बोला कि ठीक है ये तो बहुत अच्छी चीज है, मेरे को प्रोडक्ट की क्वालिटीज पता लग गई। अब वो क्या कर रहा है, दो लोगों को जाके समझा रहा है वही चीज की खासियत समझा रहा है, और वो दो लोग भी अगर बाय कर रहे तो उसको पैसा भी मिल रहा है अलग से। तो पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया कि हमारे प्रोडक्ट को जो लोग बाय कर रहे हैं वो उनको उसका स्पेसिफिकेशन बता दी जा रही है और उनको हमारे प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज अब है। फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या थी, क्रेडिट। आपका कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, आप नए स्टार्टअप हो, आपको ये प्रॉब्लम आएगी आएगी, आपको कोई भी आपको कैश पे नहीं लेगा, सब आपसे उधार में लेंगे और उधार में इतना ज्यादा पैसा फंस जाता है कि आपने देखा है कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है वो, कि बिजनेस में इतनी सारी प्रॉब्लम आ जाना सिर्फ इसलिए कि लोग हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं मार्केट में। उसका क्या है, आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई क्रेडिट नहीं चलता, सिर्फ एडवांस चलता है, आप पैसा दो प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट किया, उनको अच्छा लग रहा है तो वो आपको पहले पैसा देंगे, आप उनको फिर प्रोडक्ट देंगे। तो ये प्रॉब्लम भी खत्म होगी जिसकी वजह से हमारे 40% स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। फिर आती है तीसरी प्रॉब्लम कि एडवर्टाइजमेंट करोगे तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, बट यहाँ एक तो एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ही नहीं होती और दूसरा अगर आप करोगे भी तो बहुत ही कम कॉस्ट हो जाती है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे क्या है कि लेट सपोज 100-200 लोगों की गैदरिंग है तो आपने एक सेमिनार हॉल बुक किया और उन लोगों को एक प्लान दिया, पूरा अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बताई कि वो उसकी मतलब क्या क्वालिटीज है वो बताया, लोगों ने एक साथ देख लिया, तो मतलब बहुत ही कम हो जाती है वो कॉस्ट। तो एक तरीके से तीनों प्रॉब्लम जो थी, जो तीन मेजर प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम वन, प्रॉब्लम टू, प्रॉब्लम थ्री, इसका बेस्ट सॉल्यूशन है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, बेस्ट एंड चीप, सॉल्यूशन वन, सॉल्यूशन टू एंड सॉल्यूशन थ्री। और इसलिए आपने देखा होगा कि लास्ट में मैंने स्टार बना के यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉस्ट सेव इज पे आउट डिस्ट्रीब्यूटेड। दोस्तों आप समझो कि जो कॉस्ट बच जाती है ना इन सब लोगों को, देखो हम करके रहे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, लेट सपोज ये मैन्युफैक्चरर है इसको 150 रुपए में बनके पड़ता है मल्टीविटामिन, और ये मास्टर स्टॉकिस्ट को कितने में बेच रहा था, 200 में, क्योंकि इसको सिंपल था कि हमारे 150 का पड़ता है हम 200 में बेचेंगे, हमारे 50 रुपए में प्रॉफिट रखना है। अब 200 का ये मास्टर स्टॉकिस्ट को देता, ये होलसेलर को 220 का पड़ता, 250 का दुकानदार को पड़ता, और दुकानदार इसको कस्टमर को कितने का सेल करता, 500 रुपए का, क्योंकि दुकानदार का सबसे ज्यादा मार्जिन होता है क्योंकि उसको रेंट भी देना होता है, उसकी क्वांटिटी भी कम निकलती है, सैलरी भी देनी होती है। तो आप समझ लो कि आपको तो 200 का ही 200 ही मिला ना आपको, तो आपको तो 200 में अपना प्रॉफिट निकालना था और कस्टमर को मिल रहा है कितने का, 500 का। तो आपने क्या किया, ये जो 300 रुपए ऐड हुआ था 200 से लेके 500 कस्टमर तक जाते जाते 300 रुपए ऐड हो गया था जो कि मास्टर स्टॉकिस्ट होलसेलर और दुकानदार ने रख लिया था, आप वो पैसा क्या करते हो इनको देने की बजाय हर बॉक्स का जो 300 रुपए था आपने उठाया और किनको दे दिया, जो आपकी कंपनी को प्रमोट करेंगे। आपने इस तरीके से कंपनी को का पे आउट बनाया कि यार आप मेरी कंपनी को अगर प्रमोट करते हो क्योंकि कस्टमर को डायरेक्ट मेरा सामान मिल रहा है, मैं 500 में ही बेचूंगा, बट जो मेरा 300 रुपए बच गया जो यहां पे जाता और इन पे फंसता और ये सारी प्रॉब्लम आती वो सारी की सारी चीजें जो थी मेरी बच गई है, तो मैं वो 300 रुपए क्या करूंगा आप ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा जो मेरी कंपनी को प्रमोट करेंगे। तो आप सोचो दोस्तों कि कितनी इंटेलिजेंट कंपनीज होती हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को यूज करती हैं। तो आगे से आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, अगर कभी भी आपको कोई भी बोलता है कि यार आपकी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग जो यूज करती है वो फ्रॉड होती है, आपने उनको समझाना है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग यूज करती है ना मेरे भाई वो कंपनी एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट कंपनीज होती है और मुझे लगता है आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो चाहे सर्विस बेस्ड कंपनी हो, आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, तो ये पूरी की पूरी सीरीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, सो डेट कि हमारे जो करोड़ों बहन भाई हैं, करोड़ों हमारे जो लोग हैं इंडिया के जो इस इंडस्ट्री के अंदर अपना कैरियर तलाश रहे हैं या इस इंडस्ट्री के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों को इतनी एजुकेशन मिल सके कि वो लोग कॉन्फिडेंट के साथ ये सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर सके और जिस भी कंपनी के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं और काफी अच्छा ग्रो कर सके। तो दोस्तों आप को ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं आप उस पर ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए, अपने ऑफिशियल जो ग्रुप है उसके अंदर शेयर कीजिए और उनको बताइए, अपनी टीम को सबको बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग एक नेगेटिव कंसेप्ट नहीं है जैसा कि लोग इसको सोचते हैं, कि क्यों ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ब्यूटीफुल कंसेप्ट है।